राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वार्षिक परियोजना सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारंभ करने पहुंची। कार्यक्रम में राष्ट्रपति का स्वागत शॉल और प्रतीक चिन्ह से किया गया। मंच पर राष्ट्रपति के साथ मौजूद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का भी ब्रह्म कुमारी सेवा सरोवर की ओर से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपति जी का आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। उनकी इस यात्रा के लिए मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल महोदय आदरणीय विश्वभूषण हरिचंदन जी, ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी, आशा दीदी, लीना दीदी, बीके नथमल भाई, समस्त भाइयों बहनों, आदरणीय ब्रिजमोहन जी, आदरणीय महंत रामसुंदर दास जी, अनीता शर्मा जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों साथियों, सामान्य राष्ट्रपति जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रपति महोदया के आगमन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इस यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपना अपने ही घर में आया हो। वैसे छत्तीसगढ़ से आपका पहले भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, राज्यपाल के रूप में जब झारखंड में थी, अभी आशा दीदी बता रही थी, भिलाई में आपका आगमन हुआ था और राष्ट्रपति के रूप में रायपुर भी आई थी। तो इसके पहले भी छत्तीसगढ़ का आगमन होता रहा है और वैसे भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सबसे लंबा सीमा छत्तीसगढ़ उड़ीसा का ही है और भौगोलिक रूप से तो जुड़ा है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बड़ा गहरा संबंध रहा है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर लोग निवास करते हैं, वंचित लोग निवास करते हैं। द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम के लॉन्च के अवसर पर मंच पे विराजमान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, राज्योगी बीके मृत्युंजय भाई जी, राज्योगिनी बीके हेमलता जी, राज्योगी बीके लथमल भाई जी, राज्योगिनी बीके आशा जी, राज्योगिनी बीके लीना बहन जी, बीके सविता जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यगण, देवियों और स्वजनों, सभी को जय जोहार, नमस्कार। पूरी मानवता के कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनुष्य की सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। पिछले महीने 27 जुलाई को मैंने ओडिशा में भी द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के थीम से जुड़ी कार्यक्रम में भाग लिया था। आज छत्तीसगढ़ में भी इस प्रयास का आरंभ करने हेतु मुझे बहुत खुशी हो रही। आज मैं बहुत
प्रसन्न हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर आप सब से मिलने का अवसर मिला। ये ऑडिटोरियम मेरे लिए नया नहीं है, ये मुझे जान पहचान सी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है 2017 में जो कोमला दीदी जी थी उस टाइम मुझे बुलाया गया था और इसी ऑडिटोरियम में परमपिता परमात्मा का और बहनों का भाइयों का सकास लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए मैं आई थी। ये आपसे मुझे ये वाला ऑडिटोरियम में दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति।